हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज एक्लिप्सेस मीन्स ग्रहण। द ऑर्बिटल पैथ ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑफ द मून आर नॉट इन द सेम प्लेन। मीन जो ऑर्बिटल पैथ है अर्थ और मून का वो सेम नहीं होता है। द मून सोलरिशनी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ 5 degree विथ दैट ऑफ द अर्थ। मीन्स जो मून्स की रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट में परिभ्रमण कक्षा है वो 5 degree का एंगल बनाती है अर्थ के साथ। एज अ रिजल्ट द मून इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट ट्वाइस ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन। जब एक वन रिवॉल्यूशन होता है मून का एट दैट टाइम वो अर्थ के साथ 2 times इंटरसेक्ट होता है। एंड ईच न्यू मून डे द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ एंड द सन एंड द मून मेक एन एंगल ऑफ 0 degree वेयर ऑन ईच फुल मून डे। मीन्स मून अर्थ ऑन ईच न्यू मून डे द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ एंड द सन एंड द मून मेक एन एंगल ऑफ 0 degree वेयर ऑन ईच फुल मून डे। मीन्स इसका अर्थ ये होता है, इट मीन्स न्यू मून डे को जो अर्थ है मीन्स जो मून है वो 0 degree मून अर्थ और सन है वो 0 degree का एंगल बनाते हैं और फुल मून डे में वो एंगल बनता है 180 degree का। न्यू मून डे में कौन सा बनता है जॉइनिंग अर्थ एंड सन एंड द मून मेक एन एंगल ऑफ 0 degree एंड वेयर ऑन ईच फुल मून डे दिस एंगल इज 180। इवन सो द सन द अर्थ एंड द मून मे नॉट बी इन वन स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन ऑन एवरी न्यू मून और फुल मून डे। इट मीन्स जो अर्थ है सन और मून है वो हर न्यू मून डे और फुल मून डे को मिस न्यू मून डे मिस अमावस्या और फुल मून डे मिस पूर्णिमा तो इसको इसमें सेम नहीं होते, एक लाइन में नहीं होते। हेंस एक्लिप्सेस डू नॉट अकर ऑन ईच न्यू मून और फुल मून डे। तो हर न्यू मून और फुल मून डे को एक्लिप्सेस हमें नहीं दिखते हैं। हाउएवर समटाइम ऑन न्यू मून डे और फुल मून डे द 3 फॉल इन वन लाइन एंड आर इन द सेम प्लेन। एक्लिप्सेस अकर ऑन सच ओकेजन। एक्लिप्सेस मे बी इन सोलर और ल्यूनर। मीन्स एक्लिप्सिस कब होती है, समटाइम ऑन अ न्यू मून डे और फुल मून डे द 3 फॉल इन वन लाइन। मीन्स जो सन मून अर्थ है वो एक ही लाइन में आते हैं इन द सेम प्लेन। एक्लिप्सिस अकोर ऑन सच तो एट द टाइम एक्लिप्सिस हमें दिखाई देते हैं। एक्लिप्सिस में भी सोलर और ल्यूनर मीन्स सूर्य और चंद्र। कंसिडर द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन द मून एंड द अर्थ ऑन द न्यू मून डे एंड बोथ द कॉल्ड। मीन्स जो पोजिशन है सन मून और अर्थ की न्यू मून डे में कैसी होती है वो हमें देखनी है। वाट विल बी द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ एंड द मून एज वेल एज द अर्थ एंड द सन। तो एंगल कौन सा होता है अर्थ और मून में एंड अर्थ और सन में। हाउ मैनी टाइम्स विल बी एंगल बी फॉर्म इन मंथ। तो कितने बार वो एंगल फॉर्म होता है मंथ में। नाउ देन सोलर इक्लिप्सिस मीन्स सूर्यग्रहण। इफ द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ द शेडो ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ। अगर मून किसके बिटवीन होना चाहिए सन एंड द अर्थ के और जो शेडो है मून की फॉल्स ऑन द अर्थ वो पृथ्वी पे आनी चाहिए। एट अ सच अ टाइम दिस 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आर ऑन द सेम प्लेन एंड फॉल इन वन लाइन। हेन द प्लेस ऑन द अर्थ वेयर द मून शेडो फॉल्स एक्सपीरियंस अ सोलर इक्लिप्स। इट मीन्स 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आर ऑन द सेम प्लेन एंड फॉल इन वन लाइन। मीन्स सन मून एंड अर्थ जब वो एक लाइन में आते हैं और सेम प्लेन में होते हैं। हेंस द प्लेस ऑन द अर्थ वेयर द मून शेडो फॉल्स। मीन्स अर्थ पे किसकी शेडो होती है मून्स की फॉल्स एक्सपीरियंस अ सोलर इक्लिप्स। तो एट दैट टाइम हमें सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है। दिस शेडो इज ऑफ 2 types। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द शेडो इज डार्क एंड पेरीपेरी इज लाइट। मीन्स सेंट्रल मध्य भाग में क्या होती है शेडो कैसे होते हैं डार्क होते हैं एंड पेरीफेरी मीन्स कड़े का जो भाग रहता है उसमें लाइट होती है। इन द एरिया ऑफ डार्क शेडो ऑन द अर्थ द सन बिकम कम्प्लीटली इनविजिबल। मीन जो एरिया है डार्क शेडो का अर्थ पे तो एट द टाइम सन कम्प्लीटली इनविजिबल होता है। दिस कंडीशन इज नोन एज टोटल सोलर इक्लिप्स। तो इस कंडीशन को कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स मीन्स खग्रास ग्रहण। हाउएवर ड्यूरिंग द सेम पीरियड एट द प्लेस वेयर द शेडो इज लाइट द सन डिस्क अपीयर्स पार्टली कवर्ड। दिस कंडीशन इज डिस्क्राइब एज पार्टियर सोलर इक्लिप्स।
इट मीन्स हाउवर ड्यूरिंग द सेम पीरियड एट द प्लेस सिस वेयर द शाडो इज लाइट द सन डिस्क अपीयर्स पार्टली कवर्ड। मीन्स शाडो लाइट होती है और सन डिस्क अपीयर्स मीन्स थोड़ा दिखता है। दिस कंडीशन इज डिस्क्राइब एज पार्टियल सोलर इक्लिप्स मीन्स खंडग्रास ग्रह। टोटल सोलर इक्लिप्स सीन इन वेरी लिमिटेड रीजन ऑफ द अर्थ। जो टोटल सोलर इक्लिप्स है वो लिमिटेड रीजन में अर्थ में हमें दिखाई देता है। यह है देखो पार्टियल सोलर इक्लिप्स एंड टोटल सोलर इक्लिप्स। तो इसको थोड़ा वीडियो को देखना है डबल और समझने की कोशिश करना। पार्टियल सोलर इक्लिप्स एंड एनुलर सोलर इक्लिप्स। समटाइम द मून इज इन द अपोजी पोजिशन। मून को इससे पोजिशन में तो अपोजी मीन्स अपोबू पोजिशन में। दिस मीन्स इज एट द फॉरेस्ट फ्रॉम द अर्थ। वो अर्थ से क्या होता है दूर होता है फॉरेस्ट होता है। एज अ रिजल्ट द डीप शेडो ऑफ द मून इज कास्ट इन स्पेस एंड डज नॉट रीच द अर्थ। मीन्स जो डीप शेडो है मून की वो सिर्फ स्पेस पे ही रह जाती है वो अर्थ तक नहीं पहुंचती। फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द अर्थ ओनली इल्यूमिनेटेड एज ऑफ द सन डिस्क इज सीन इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो बहुत ही कम जगह पे ये इल्यूमिनेटेड होता है। दिस इज कॉल्ड द एनुलर इक्लिप्स। तो इसको कहते हैं कंकनाकृति सूर्य ग्रहण। एनुलर इक्लिप्स इज अ रेयर फिनोमिनन। इक्लिप्स जो है वो बहुत ही रेयर है कभी कभी ही दिखता है। ओके इसको तुम्हें और देखना है समझने की कोशिश करना। ओके थैंक यू।